हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे और अपनी फैमिली का भी काफ़ी अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। सो गाइस, आज जो मैं टॉपिक आप लोगों के लिए लेके आई हूँ रियल इस्टेट से रिलेटेड, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि रियल इस्टेट में है बट उनको इस चीज़ की जानकारी नहीं है। सो अभी रियल इस्टेट में जो नींव हुआ है, इसके बारे में क्वेश्चन अभी मैंने देखा है, जब से मैंने वीडियो वगैरह बना रही हूँ तब से काफ़ी लोग मतलब कुछ क्वेश्चन मुझे भी बताते, मुझे भी आइडियाज़ देते कि मैडम इस टॉपिक के बारे में बताइए, सो हम सीख लेंगे आपकी वीडियोस देख के। तो गाइस, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि मुझे भी एडवाइस दिया जाता है और मुझे भी आइडियाज़ दिया जाता है कि इस टॉपिक में बनाना बहुत अच्छा रहेगा। इससे क्या होगा कि जानकारी मिलती रहेगी लोगों को। तो गाइस, हमारा जो मेन मुद्दा है वो है, हम रियल इस्टेट में अगर काम कर रहे हैं गाइस, तो मान लो सपोज़ आप किसी क्लाइंट को फ़ोन कर रहे हैं, तो उस क्लाइंट को फ़ोन करने पर जब आप ज़मीन की जानकारी देते हैं तो कस्टमर जो होता है, जो ज़मीन के बारे में जानकारी आप देंगे, तो कस्टमर का क्वेश्चन ये होता है कि आप जो मुझे ज़मीन की जानकारी दे रहे हैं, क्या वहाँ डाइवर्शन है, क्या वहाँ ज़मीन डाइवर्टेड है। तो अगर आपको उसके बारे में थोड़ी भी नॉलेज नहीं है गाइस, तो आप कस्टमर को कन्विंस नहीं कर पाएंगे। सो आपको कस्टमर पूछे या ना पूछे, इस चीज़ की जानकारी आपको होना बहुत ज़रूरी है। तो आइए गाइस, हम यही जानते हैं कि डाइवर्शन क्या है और डाइवर्शन क्यों ज़रूरी है, और डाइवर्शन कराने के लिए हमें किस किस दस्तावेज की ज़रूरत होती है गाइस। तो बहुत अच्छी टॉपिक है गाइस, बिल्कुल ऐसी जानकारी के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको कुछ समझ में आए और इस चीज़ को आप काफ़ी अच्छे से समझ के अपने अंदर और भी ग्रोथ कर सकते हैं रियल इस्टेट से रिलेटेड। सो गाइस, मैं बताऊंगी, जैसे कि सपोज अगर कोई सामान्य ज़मीन है, एग्रीकल्चर लैंड, अगर हम उस ज़मीन को किसी उपयोग में लाने के लिए परिवर्तित करते हैं तो वहाँ ज़मीन डाइवर्शन हो जाती है गाइस। सपोज़ डाइवर्शन कितने प्रकार के होते हैं? डाइवर्शन गाइस 5 प्रकार के होते हैं, जैसे कि भवन निर्माण के लिए हो जाता है, आवासी के लिए हो जाता है, व्यवसायिक के लिए अलग डाइवर्शन होता है, औद्योगिक के लिए अलग होता है, और मान लो सपोज अगर आप बैंक फाइनेंस करवाना चाहे तो बैंक वाले के पास भी अगर आप जाएंगे तो वहाँ यही क्वेश्चन रहेगा कि आप जो ज़मीन पर लोन लेना चाह रहे हैं, क्या वहाँ ज़मीन डाइवर्टेड है। तो गाइस, डाइवर्शन जब तक नहीं होगा तब तक आपको बैंक भी लोन नहीं देंगे, तो लोन लेने के लिए आपके पास डाइवर्शन ज़मीन होनी चाहिए गाइस, है ना। दूसरा जो मुद्दा है गाइस, डाइवर्शन के फ़ायदे ये होते हैं, मान लो सपोज़ आप रियल इस्टेट में हैं, अब रियल इस्टेट में गाइस आपको ये होता है कि सपोज़ आप कोई व्यापार कर रहा है रियल इस्टेट का और आप उस ज़मीन को सेल करना है, तो वो ज़मीन को अगर आप काट के सेल करते हैं गाइस, तो उस ज़मीन की कीमत आप 200 रुपये स्क्वायर फीट या 300 रुपये स्क्वायर फीट रखे हुए हैं, अगर आप उसको डाइवर्शन में परिवर्तित कर देते हैं, एक्स वाई जेड कोई भी किसी में भी करना चाहे, अगर उसे आप किसी कार्य के लिए करना चाहे, तो गाइस उस ज़मीन की कीमत आपकी दुगनी हो जाती है। मान लो सपोज अगर आपकी ज़मीन की कीमत 300 रुपये स्क्वायर फीट है, तो उस ज़मीन की कीमत हो जाती है आपकी 600 रुपये। तो इससे किसका फ़ायदा है गाइस? आप ही का फ़ायदा है, ये आपकी ज़मीन की वृद्धि हो जाती है इसमें। सो डाइवर्शन के ये फ़ायदे है गाइस। तीसरा, अगर आपको डाइवर्शन जैसे अगर करवाना हो तो आपको किन किन पेपर की ज़रूरत पड़ेगी, तो गाइस वो भी मैं आपको बताती हूँ कि हमें किन किन पेपर की ज़रूरत होती है। सो फर्स्ट हमारा होता है बी वन आपके पास होना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दूसरा, आपके पास नक्शा होना ज़रूरी है, खसरा होना ज़रूरी है, तो मिसाल होना ज़रूरी है आपके पास, लेआउट होना ज़रूरी है, और अधिकार अभिलेख होना चाहिए। तो ये पेपर्स आप जा करके किसी भी तहसील ऑफिस, नगर निगम, या आपके कहीं गांव के है, ग्राम वगैरह में रहते हैं तो पंचायत के पास जा करके आप इसको अपना डाइवर्शन में परिवर्तित कर सकते हैं ज़मीन को। तो गाइस, ये थी आज की हमारी जानकारी, और मेरे ख्याल से डाइवर्शन तो मान लो सपोज अगर आप कहीं सिटी एरिया में काम कर रहे हैं तो आपको डाइवर्शन ही ज़मीन सेल आउट करनी चाहिए गाइस। इससे क्या होता है कि कस्टमर सबसे पहले क्वेश्चन उसका यही रहता है ना कि वो जो ज़मीन के बारे में आप जानकारी दे रहे हैं वो डाइवर्शन है या नहीं। जहाँ आप नहीं बोल देते हैं गाइस, तो कस्टमर बिचक जाता है कि मुझे तो अपने मकान बनाने के लिए डाइवर्शन ही ज़मीन चाहिए और मुझे उसमें लोन लेना है, तो बिना लोन के तो डाइवर्शन होगा नहीं, है ना। तो
भले आप कस्टमर को ये कर सकते हैं कि अगर वो जमीन डाइवर्शन नहीं है सिटी एरिया में तो आप डाइवर्शन उनको करा के दे सकते हैं। अगर आप पूरे जमीन की डाइवर्शन नहीं करा सकते तो, और मेरे ख्याल से तो गाइस देखिए एक क्वेश्चन और था मेरे पास जो कि कल मुझे कोई क्वेश्चन किया कि जमीन रियल इस्टेट का काम करने के लिए बहुत पैसों की ज़रूरत होती है ना, बिना पैसों के तो रियल इस्टेट का काम होता ही नहीं है। तो गाइस मैं आप लोगों को बता दूँ, मैं शून्य से स्टार्ट की हूँ, ज़ीरो से स्टार्ट की हूँ, मैंने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया था, बट फिर भी मैं रियल इस्टेट में हूँ ना, ग्रो कर रही हूँ ना। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपके पास पैसा होगा तभी आप रियल इस्टेट का काम कर पाएंगे, ज़रूरी नहीं है कि कोई काम करने के लिए आपके पास पैसे ही इम्पोर्टेंट है। आपके पास अगर टैलेंट और बात करने का तरीका और आपका कॉन्फिडेंस अच्छा है तो यही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। सो ये चीज़ अगर आप में है गाइस तो आप तो पैसे यूँ कमा सकते हो, है ना। तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास पैसे हो तभी आप रियल इस्टेट का काम करेंगे। तो इसके बारे में भी मैं जानकारी आपको दूंगी, मुझे बताइएगा अगर इसकी जानकारी चाहिए कि हम बिना पैसों के ही रियल इस्टेट के काम कैसे कर सकते हैं, है ना। तो ये न्यू लोगों के लिए गाइस प्लीज़, अदरवाइज मार्केट में सभी अच्छा काम करते हैं और सबको इस बारे में जानकारी है जो रियल इस्टेट से रिलेटेड, मेरे से भी अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस वाले हैं मार्केट में और काफ़ी अच्छा काम करते हैं गाइस। तो मैं उनके लिए ये वीडियोस बनाती हूँ जो आज भी है, मैं देखी हूँ आज भी है, आगे बढ़ना चाहते हैं बट उनको सपोर्ट नहीं मिल पा रहा, उनको जानकारी नहीं मिल पा रही है। तो अगर ये वीडियो देख करके उनको जानकारी मिलती है और अच्छे से ग्रो कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है ये, है ना गाइस। तो आज हमारा ये जो टॉपिक था डाइवर्शन से रिलेटेड वो मैंने आपको जो बताया गाइस, ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं, इसको भले कस्टमर पूछे चाहे मत पूछे बट आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। सो गाइस यहीं पे मैं आपकी अपनी बातें ख़त्म करती हूँ, और बिल्कुल ख्याल रखिए और सेफ रहिए, अपनी फैमिली का भी ख्याल रखिए, बाकी धन्यवाद।